जय माता दी, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय 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 शनिदेव जी महाराज की। आज हम देखेंगे कर्मा रीडिंग। जिन्होंने भी आपके साथ जो कुछ भी किया है, ठीक है, चाहे वो एविल आई हो, चाहे वो बुरी नज़र हो, चाहे वो गिल्ट हो, चाहे वो नज़र लगाना हो, चाहे वो जेलेसी हो, ठीक है, तो उनका जो कर्मा है वो वापस बैक किस तरीके से आपको पता चलेगा। अगर वो आपके आसपास हैं तो आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं पता तो चल ही जाएगा कि उनके साथ क्या स्थिति हो रही, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर ये है कि कर्मा जो है, कर्म का फल सबको मिलता है ना। और आज सैटरडे का दिन है और आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं आपको बार बार यही कहती हूँ कि आपको जो और रीडिंग चाहिए, जैसी भी रीडिंग आप देखना चाहते हैं, आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और यहाँ पर अभी इस चैनल में अप्रैल के मंथ में आपके लिए डिटेल रीडिंग आने वाला है, तो आप जल्दी से कम्युनिटी में जाकर आप कमेंट कीजिए कि आपको नंबर के अनुसार चाहिए या राशि के अनुसार चाहिए, मतलब मूलांक के अनुसार चाहिए अप्रैल मंथ का जो डिटेल आपका राशि फल है, या राशि के अनुसार चाहिए, जिसमें भी आप लोगों का ज़्यादा मैच्योरिटी रहेगा, जिसमें ज़्यादा रहेगा वोट, है ना, वो आपके लिए अप्रैल के मंथ में आएगा। तो आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। अब हम देखते हैं जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है उनका जो कर्मा है किस तरीके से बैक हो रहा है। देखिए, पहले ही मैंने कहा और पास्ट लाइफ का कार्ड आ गया, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना ब्लैक मैजिक का आ रहा है मुझे, ठीक है। तो जहाँ पर मुझे जो आ रहा है मैं वही बताऊँगी। तो लेकिन ये ब्लैक मैजिक जो है आपके ऊपर किस तरीके से किया गया है ये हम देखेंगे, है ना। देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कर्मा की रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग में ही ऐसा लग रहा है कि बहुत बुरी तरीके से, यहाँ पर दी लवर्स का कार्ड है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए और आप दोनों का रिश्ता पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई है फ्रेंड। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 18 मंथ पहले किसी ना किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पहले बहुत बहुत लंबे समय से ये जो ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, बहुत लंबे समय से किसी की निगेटिविटी, किसी का जो ब्लैक मैजिक है, बहुत लंबे समय से ये कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, क्योंकि सबके लिए अलग अलग लग रहा है, कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिड हैं तो आपके मतलब आसपास के करीबी के लोग ही, रिश्तेदार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये लग रहा है, और दूसरा ये है कि बहुत जेलेसी यहाँ पर मुझे एनर्जी फील हो रहा है। आपके प्रोग्रेस आप देख रहे हैं कि आपके ऊपर डिवाइन जी की कृपा हो रही है, ठीक है। आपने मतलब हम ये कहते हैं ना कि सेल्फ मेड, मतलब आपने खुद से ही सारी चीज़ें क्रिएट की है। और बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें रहती है, लेकिन यहाँ पर जो है परमात्मा जी की कृपा बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हुई है, उसके बाद आपके लाइफ में वन बाय वन जो है सक्सेस आप पाते गए। तो यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन थे जिनको आपके सक्सेस से बहुत ज़्यादा जेलेसी थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कर्मा। मैं ये थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि आपसे अगर रिजोनेट करेगा तभी आप आगे देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी आपके साथ जो भी ये सब किया है सिचुएशन, उनके साथ अभी ये हो रहा है कि उनको सबसे पहले तो उनके कर्मों का फल मिलना स्टार्ट हो गया है। ऐसा लग रहा है कि 18 दिन पहले, है ना, या मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि 9 वीक पहले उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान है। वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मतलब एक ज्ञानी, ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझते थे, ठीक है। और यही कारण था, वो ये सोचते थे कि आपके तरफ प्रोजेक्ट करते थे, आप लोगों के तरफ, आप लोगों के रिश्ते को मतलब बिगाड़ने के लिए। अब क्या हो रहा है कि वो वापस रिटर्न जा रहा है, ठीक है। जो भी उन्होंने इतना ज़्यादा, मुझे ये फील हो रहा है कि इतना ज़्यादा उन्होंने आपके रिश्ते में किया है, इतना ज़्यादा आपके अबंडेंस को ब्लॉक करने की कोशिश की है, यही कारण है कि अब बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया है उनको लोग मतलब कहते हैं ना कि मतलब बहुत लताड़ रहे हैं। जैसे पहले उनको जो सम्मान मिलता था, पहले लोग उनको पूछते थे, अब उनको लोग उतना नहीं पूछ रहे। और ये भी कारण था उनका आपके प्रति जेलसी का, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि अब उनके कार्य में काफ़ी ज़्यादा बाधाएं आ रही है। जिस तरीके से वो अपना आपके कार्य में उन्होंने ब्लॉकेज क्रिएट किया है, ठीक है,
उसी तरीके से उनके वर्क में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर हो रही है उनके फैमिली लाइफ में, क्योंकि उन्होंने आपके सोलमेट का जो कनेक्शन था आपका, आप लोगों के बीच में उन्होंने ये सारी चीज़ें क्रिएट की गई थी, ठीक है। तो उनके लाइफ में जो उनका पर्सनल लाइफ है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है या मिल चुका है उनके हस्बैंड या वाइफ से, क्योंकि यहाँ पर मुझे वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब ना उनको उनके कर्मा का जो फल है ना फ्रेंड, मिलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं जो, जैसे कि मैंने बताया कि आप इन लोगों को जानते भी हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वायु तत्व के और अग्नि तत्व के हो सकते हैं। यहाँ पर दो तत्व मुझे नज़र आ रहा है, 12 नंबर, यहाँ पर 18 नंबर, 9 नंबर स्ट्रांग नज़र आ रहा है, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने आपकी जो अपॉर्चुनिटी आ रही थी, ठीक है, ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, देखिए डेथ का कार्ड, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके लिए ना फरवरी के मंथ में कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही थी, जो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, उसमें भी इन्होंने कुछ अपना टांग अड़ाया है यहाँ पर, ठीक है। हम देखते हैं आगे, तो इनको इनके जो कर्मों का फल है ये मिलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। देखिए मैंने जैसे ही कहा अपॉर्चुनिटी, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही थी, ठीक है। देखिए यहाँ पर टावर किस तरीके से आ रहा है, आपके लाइफ में जो सक्सेस आ रहा था, ठीक है, उसे इन्होंने अपने बड़े चालाकी से इन्होंने रोकने की कोशिश की है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि टावर उल्टा पड़ गया, मतलब उन्होंने जो आपके मेहनत पर, जैसे कहते हैं ना मेहनत पर पानी फेरने वाला जो है ना, ये सारी सिचुएशन उन्होंने की अपने मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि अपने जो लोग जिनको बहुत मानते हैं, है ना, तो आप में से कुछ लोग उनको बहुत मानते होंगे, उसका इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, काफ़ी ज़्यादा लाभ इन्होंने इन सारी चीज़ों का उठाया है। और ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिड, अगर आप मैरिड हैं, आपके मैरिड लाइफ में जो इन्होंने जो भी स्थिति की है आपके वर्क में, देखिए आप कितना संघर्ष कर रहे हैं, पर आपके सक्सेस को इन्होंने और भी ज़्यादा लेट किया है। लेकिन देखिए यहाँ पर आपके सक्सेस को इन्होंने ब्लॉक किया, लेट किया, लेकिन आपको इससे भी कई गुना ज़्यादा आपको सक्सेस आगे मिलने वाला है, दिशन का कार्ड ये बता रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि इनके लाइफ में सारे एक्सपेक्ट में जो है ना टावर पे टावर आ रहे हैं, मतलब इनके सेहत में दिक्कत हो रही है, इनके पर्सनल लाइफ में दिक्कत हो रही है काफ़ी, मतलब इनके जो जो भी यानी कि स्पाउस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बातों से, जैसे हम कहते हैं ना बातों से, इनको काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें सारी रिटर्न हो रही है, काफ़ी ज़्यादा इनके लाइफ में दिक्कत मुझे यहाँ पर पर्सनल लाइफ में, क्योंकि आप देख सकते हैं फोर ऑफ वांड्स का कार्ड, इनके बिजनेस में तो दिक्कत हो ही रहा है, जो भी ये कार्य करते हैं उसमें तो इनको दिक्कत हो ही रहा है, उसमें इनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है। प्लस इनका जो मानते थे लोग, मैं इसलिए कह रही हूँ कि इनका जो पोजीशन था, ठीक है, इसमें भी लोग इनको काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे, अब वो काफ़ी ज़्यादा धीमा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि हम कहते हैं ना ये अपने आप को बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा एक मास्टर के रूप में मानते थे, बहुत ज़्यादा ये अपने आप को एक मतलब जैसे कहना चाहिए कि जैसे घर का कोई मतलब मेन होते ना, इस तरीके का मानते थे कि मेरे पास सब लोग आए, मेरी बातें सब माने, ये चाहे बाहर के हो चाहे आपके फैमिली मेम्बर हो। तो अब क्या हो रहा है कि लोग इनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, मतलब सबको धीरे धीरे इनका जो रियल फेस है वो नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये कोई फीमेल है, इन्होंने आपके साथ जेलेसी की वजह से आपके और आपके पार्टनर के लिए कुछ ऐसा करवाया है किसी और से, ठीक है। अब उनके साथ ये सारी चीज़ें टावर मूवमेंट में आ रही है, और ऐसा लग रहा है 16 या 17 दिसंबर के बाद उनके लाइफ में इतना घमासान, मतलब उनके पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो बाहर कहीं पर मतलब बहुत छुप रहे हैं, जैसे कि ऐसे कहते हैं ना कि पहले वो काफ़ी बाहर निकलते थे, अब ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा अंदर छुपा कर रख रहे हैं, लेकिन उनके जो पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टावर मूवमेंट आ रहा है। दूसरा, उनके प्रोफेशनल लाइफ में उनको हर एक किसी से सुनने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अगर वो जॉब करते हैं तो उनके जॉब में दिक्कत हो रहा है, अगर उनका कोई प्रोफेशन है उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़े, बहुत संघर्ष, जितना संघर्ष उन्होंने आपको दिया है उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा अभी उनको संघर्ष मिल रहा है।
काफी बातें वो लोगों की सुन रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये आपके आप इनका बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, कुछ लोगों के लिए ये ऐसे पर्सन हैं जो आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेंड मैं ये बताना चाहूँगी कि ये एज में बड़े हैं पर कहीं ना कहीं इनका जो है इनकी जो नज़र है, यहाँ पर मुझे इस तरीके का इंट्यूशन आ रहा है, इनका जो नज़र है वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था पहले से ही, ठीक है। भले ही ये आपके दूर के रिश्तेदार हो या ये आपके फ्रेंड हो या कभी ये किसी भी पोस्ट में हो, ठीक है, किसी भी इसमें हो, इनकी नज़र जो है आपके लिए सही नहीं थी, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। दूसरा ऐसा लग रहा है कि ये मेल हैं और जनरली ये आपके लिए तो बिल्कुल भी इनकी नज़र ठीक नहीं है, लेकिन जनरली ये गर्ल्स लोगों के लिए भी मुझे उतना सही नहीं नज़र आ रहा है इनका जो नज़रिया। और अब ये जो चीज़ें हैं ये ओपन हो रही है लोगों के सामने में, और लोग बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ना इनके तरफ पलट कर देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, मतलब इनकी जो सच्चाई है ना वो अब वाकई में सामने आ रही है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हो रहा है फरवरी के मंथ से बहुत लोगों के लिए, जिसमें आप जैसे भी रिजोनेट कर सकते हैं, जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे जो आ रहा है कि जो भी बड़े हैं है ना मेल, वो उनके लाइफ में फरवरी के मंथ से बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है, और जो भी आउटसाइडर जो फीमेल है या आपके फैमिली के कोई ऐसी फीमेल है, ठीक है, उनके सेहत में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उनके पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वो बहुत बातें सुन रहे हैं लोगों से, ठीक है। ऐसी मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है, ये जो स्थिति हुई है वो उनके साथ, उन्होंने आपके ऊपर जो बार बार प्रोजेक्शन किया है उसकी वजह से दिसंबर के मंथ से उनके लाइफ में ये जो टावर मूवमेंट आया है वो दिसंबर के मंथ से आया है। तो फ्रेंड ये वो लोग हैं जिन लोगों ने आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा किया है, और इनको इनके कर्मा का फल जो है कहते ना कि मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग इनके साथ वही चीज़ें कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके अपने पास के लोग, क्योंकि इन्होंने अपना बनकर आपके साथ ऐसा किया, तो ये इनको जो जो कुछ भी मिल रहा है ना, जो कुछ भी इनको निगेटिविटी मिल रहा है, ये अपने उनके अपने ही उनको दे रहे हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, सारी जो जैसे आप कहिए कि बिट्रेल कहिए या इनको बातें सुनाना कहिए या जो भी कहिए, या आप अपने ही इनके साथ ऐसा कर रहे हैं। दूसरी बात, ये बहुत परेशान हो गए हैं, ठीक है। अभी ऐसा लग रहा है कि एक टावर मूवमेंट आप देख रहे हैं, ये वो सारी चीज़ों के लिए ना आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनकी जो आत्मा है, इनकी इनका जो सोल है, यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है जो मेल पर्सन है ना, वो उनका जो सोल है ना वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो इतना ज़्यादा उनको समझ में आ गया है कि आप कौन हैं, ठीक है, आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं, आपके अंदर एक डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन है, आप जो भी देख रहे हैं, ठीक है। उन्होंने आपके साथ बहुत पहले से ऐसी चीज़ें सोची, ऐसी चीज़ें की, उसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट अब हो रहा है जब उनके साथ सारी सिचुएशन उल्टा हो रहा है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा यहाँ पर इंट्यूशन आ रहा है कि वो अपने घर के लिए या अपने प्रॉपर्टी के लिए जो कुछ भी कर रहे थे ना, उसमें भी उनको दिक्कत आ रहा है। अभी जस्ट मेरे को यहाँ पर चैनल मैसेज हुआ, ठीक है। तो ये सारी दिक्कत उनको हो रही है, सेहत से जुड़ी हुई दिक्कत हो रही है, उनके पर्सनल लाइफ में उनके स्पाउस के साथ उनका बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो रहा है, क्योंकि उन्होंने आपके सोलमेट के साथ किया, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर माता जी का संदेश हम लेंगे आपके लिए, ठीक है, आपके लिए। देखिए इनका तो कर्मा इनको मिल गया है और आगे और भी मिलेगा, लेकिन आपके लिए मार्गदर्शन है कि आपके लाइफ में सोर्सेस आ रहा है, आपके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो पॉजिटिव आ रहा है। सॉरी फ्रेंड, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके चक्रा जो है ना, थ्रोट चक्रा में कुछ ब्लॉकेज इन्होंने क्रिएट किया था, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा सेहत का जो मैं बोल रही हूँ ना, कुछ दिक्कत इनको गले से जुड़ा हुआ भी हो रहा है यहाँ पर, है ना। और दूसरी बात ये लग रहा है कि आपके लिए जो सोर्सेस आ रहे थे, जिनको जो यहाँ पर आपके लिए पॉसिबिलिटी आ रहा था, जो प्रोजेक्ट आ रहा था आपके लिए, जो आपके पर्सनल लाइफ में ग्रोथ आने वाला था, आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ आने वाला था, जिसको इन्होंने ब्लॉक किया था, ठीक है, जिसमें इन्होंने एक टावर क्रिएट किया था, अब आपके लिए माता जी का संदेश ये है कि अब आपके लिए उससे कई गुना ज़्यादा
माता जी आपके लिए भेज रही हैं, यहाँ पर जय माता दी जरूर कहिए, क्योंकि यहाँ पर माता जी की कृपा आपके साथ जरूर है। देखिए एक कोई मैजिकल लेडी है, ठीक है, जो आपका मार्गदर्शन करेंगी। यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव सोल से आपकी मुलाकात होने वाली है, और ऐसा लग रहा है यहाँ पर तो आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने पूर्णिमा के समय में या मतलब न्यू मून के समय में जो भी मैनिफेस्टेशन आपने किया है, आप और आपके सोलमेट ने, ठीक है, वो सारे जो मैनिफेस्टेशन है आपके पास आ रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये स्ट्रांग फीलिंग आ रहा है कि आप लोग एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, जिसमें आप अगर मैरिड है तो भी, अगर अनमैरिड है तो भी, आप के जो पार्टनर है वो आपके, बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके सोलमेट भी है, ट्विन फ्लेम भी है। इसकी जानकारी आपको किसी महिला के द्वारा प्राप्त होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, जिसकी वजह से इनका जो कर्मा है काफ़ी ज़्यादा बढ़कर इनको मिल रहा है। क्योंकि देखिए आप इतने पॉजिटिव हैं, आप जो अच्छा कार्य करने आए हैं उस कार्य में इन्होंने बाधाएं पहुंचाई, इस बात का इनको गिल्ट जरूर है, ठीक है। तो माता जी का संदेश आपके लिए है कि आपके पास वो अपॉर्चुनिटी कई गुना होकर आने वाली है, तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर कहिए और फॉरगिव कहिए, ठीक है। जिन्होंने भी आपके साथ जो कुछ भी किया है उनको फॉरगिव कर दीजिए, उनको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना कर्मा जो है भोग रहे हैं, और आने वाले समय में और भी ज़्यादा उनका कर्मा जो है, एक कार्मिक बैगेज उन्होंने क्रिएट कर लिया है, क्योंकि आप में से बहुत लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में है, जिसकी वजह से आपका जो लाइफ पर्पस है वो थोड़ा डिले हुआ है यहाँ पर। इस वजह से क्या हो रहा है कि उनका जो कर्मा है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऑलरेडी उनका कर्मा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उनको सही तरीके से मार्गदर्शन भी नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर, लेकिन वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में जय माता दी फॉरगिव कर दीजिए, और आप उनको दिल से माफ़ कर दीजिए, भले ही आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। टेक केयर।